Right, ready? Capacitor. What do you mean by capacitor? When we provide charge on the body, a charge on the plates or steel, then its potential increases. As we increase potential charge, potential increases. So field increases. Suppose this is sheet. I am providing two charge. Surface charge density of sheet becomes Q by A. ठीक है. So electric field produced by this sheet becomes sigma by 2 epsilon naught. ठीक है. So when you increase charge, surface charge density increases. So field increases. So as Q increases, its potential increases, so field increases. Uniform field exists around the charge state. When field, when potential become of the order of 10 8 for 6 volt, when potential of sheet become of the order of 10 8 for 6 volt, then field becomes so strong that molecules close near the charge state get accelerated and get so velocity that when they collide with other molecule, then they knock out the electrons from that molecule. So molecules become charged. Gas molecules become charged. So देखिए, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी गैस चार गैस मॉलिक्यूल है प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सन से कॉस्मिक रे जाते हैं, गामा रेज और बहुत सारे एनर्जी के फिनोमेना आर्ट पर होता रहता है ना, जिससे गैस मॉलिक्यूल जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस मॉलिक्यूल जब तक आयनाइज होते रहते हैं. इसमें जैसे मान लें कोई गैस मॉलिक्यूल जिस पर कि क्यू चार्ज, जब इस चार्ज शीट के फील्ड में आएगा जिसके जिसका पोटेंशियल कितना हो गया है 10^6 वोल्ट ना, इसको इतना ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी कि ये जब किसी दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो उसको भी चार्ज कर देगा. ठीक है. अब इसको इतनी वेलोसिटी मिल जाएगी कि जब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो उसको चार्ज कर देगा. ठीक है. इस तरह से जो हम चार्ज यहाँ दे रहे हैं वो चार्ज क्या होता है, एक बार उसको में लीक होने लगता है, एक बार क्या होगा लीक होने लगेगा ना. ठीक है. तो पहले बता एक सर्टेन वोल्टेज के बाद इस शीट की वोल्टेज हम नहीं बढ़ सकते हैं, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद इस शीट को चार्ज नहीं दे सकते हैं. ठीक है. जब आप चार्ज बढ़ते जाएगा शीट का तो वोल्टेज बढ़ते जाएगा, जब वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 10^6 वोल्ट होता है, 6 वोल्ट का एडप्शन होता है, तो फील्ड अराउंड दिस शीट बिकम सो स्ट्रांग दैट आयनाइज चार्ज पार्टिकल गेट सो वेलोसिटी that when they collide with the other molecule then they ionize that molecule. ठीक है. तो so charge depends to the sheet leakage to the atmosphere. इस sheet को जो charge दीजिएगा वो क्या होगा, atmosphere में leak करने लगेगा. ठीक है. क्योंकि charge के अंदर में greater energy distribution पर charge आते रहे वो ही charge atmosphere में जाने लगता है. तो एक certain voltage के बाद इस sheet को आप charge नहीं दे सकते. ठीक है. ठीक है. जब आप चार्ज लगाओ इतना कर देते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू 10^6 वोल्ट हो जाती है, हां तो उसके आगे अगर चार्ज दीजिए तो उस चार्ज क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा, क्योंकि इसके नेट जो मॉलिक्यूल्स हैं चार्ज मॉलिक्यूल की तरफ ज्यादा वेलोसिटी में जाते हैं कि वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं तो उसको चार्ज कर देते हैं. तो इस तरह से जो आप चार्ज शीट को दे रहे हो वहां चला जा रहा है एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है. मान से कि कोई ऐसा सिस्टम है जहां पर हमको इससे ज्यादा चार्ज की जरूरत है. ठीक है. तो क्या करिएगा, इससे ज़्यादा वोल्ट तो चार्ज हम दे नहीं सकते, क्योंकि जब हम इतना चार्ज दे दिए तो हमारा चार्ज कहाँ चला जा रहा है, एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है. ठीक है. अगर हम इससे ज़्यादा चार्ज देना चाहते हैं तो कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं कि जिससे कि वोल्टेज की वैल्यू हमारी क्या कम हो जाए, जो वोल्टेज जो है कम हो जाएगा तो सेम वोल्टेज गेन करने के लिए और चार्ज हम दे सकते हैं. सेम वोल्टेज गेन करने के लिए क्या करेंगे, और चार्ज देंगे ना. इसी में क्या करते हैं, एक न्यूट्रल चार्ज कंडक्टर ला देते हैं, एक न्यूट्रल चार्ज कंडक्टर इसके पास ला देते हैं, इस सीट के पास जो है एक न्यूट्रल चार्ज.
बार टोटल 400 तक लाइएगा तो क्या होगा बताओ, बाय इंडक्शन सेट सरफेस ऑफ द सेट क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज से बिकम नेगेटिव एंड सरफेस ऑफ द सेट अभिकरण दे अभिकरण का चार्ज पॉजिटिव चार्ज से बिकम पॉजिटिव ठीक है। बाय इंडक्शन क्या होगा बताओ, ये कंडक्टिव प्लेट से या कंडक्टिव शीट है ये क्या करेगा, कंडक्टिव शीट के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींच लेगा ना ठीक है। जब अपने ऊपर खींच लेगा तो लेयर व्हिच इज क्लोज टू दिस बिकम नेगेटिव चार्ज एंड लेयर ऑफ दिस शीट व्हिच इज अवे फ्रॉम दिस बिकम पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से क्लोज है, इसलिए नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट यहां क्या होगा ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट क्या होगा ज्यादा होगा है। मानते कि लीकेज नमूना क्यू चार्ज पर होता है और पी वोल्टेज पर होता है ठीक है। तो जब नेगेटिव चार्ज किसी क्लोज आ गया तो मानते कि इसका जो नेगेटिव चार्ज इफेक्ट है वो माइनस डेल्टा क्यू है, माइनस डेल्टा क्यू है और जो पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट है वो प्लस डेल्टा क्यू डैश है, डेल्टा क्यू डैश है और डेल्टा क्यू डैश की वैल्यू डेल्टा क्यू से कम होगा, डेल्टा क्यू डैश की वैल्यू डेल्टा क्यू से कम होगा क्योंकि ये जो है आवेग क्रांति सीट है ये क्लोज टू दी सीट है। तो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है पॉजिटिव इफेक्ट कम है, तो नेट चार्ज पर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, इस सीट पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जब नेट चार्ज कम हो जाएगा तो पोटेंशियल गिर जाएगा ना, क्योंकि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो मानते हैं पोटेंशियल गिर करके 10^6 से 10^5 वोल्ट हो जाता है ना, पोटेंशियल की वैल्यू 10^6 से गिर करके क्या हो जाता है 10^5 वोल्ट, लेकिन फिर हमें 10^6 वोल्ट पर हो रही है ना। तो आप जो है इसको और चार्ज आप दे सकते हैं क्योंकि 10^5 वोल्ट हो गया है और 10^6 पर लीकेज हो रहा है ना ठीक है। तो आप जो है पहले से इसको ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं, सीट को पहले से ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। तो व्हेन यू रॉड और अपना न्यूट्रल कंडक्टिंग रॉड ठीक है नोट टू दी चार्ज रॉड देन पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज रॉड ड्रॉप्स है तो यू गेट सेम पोटेंशियल वी कैन प्रोवाइड मोर चार्ज ऑन द सीट ठीक है ठीक है। अगर हम कोई कंडक्टिंग रॉड ले लेते हैं उसको मैक्सिमम चार्ज करते हैं और अगर दैट चार्ज से लेके चार्ज हो जाता है अब हम और ज़्यादा चार्ज देना चाहते हैं तो क्या करेंगे दूसरी अनचार्ज कंडक्टिंग रॉड लाते हैं। जब अनचार्ज कंडक्टिंग रॉड लाएगा तो बाय इंडक्शन पर नेगेटिव लेयर व्हिच इज क्लोज टू द सीट बिकम नेगेटिव चार्ज एंड लेयर व्हिच इज अवे फ्रॉम द सीट बिकम पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इफेक्ट जो प्लेट पर ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट कम होगा, रिजल्ट क्या होगा कि जो चार्ज सीट है उस पर चार्ज का इफेक्ट कम हो जाएगा इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए सेम पोटेंशियल गेन करने के लिए आप और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं तो इस टाइप से पहले से हमने ज़्यादा चार्ज दे दिया है विदाउट लीकेज, अब हम क्या करते हैं इस सीट को आर्ट कर देते हैं, सीट को क्या करेंगे आर्ट कर देंगे। जब सीट को आर्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा बताओ, आर्ट का एन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन एंड रिसीव इलेक्ट्रॉन है ठीक है। तो जैसे कनेक्ट करिएगा तो आर्ट के इलेक्ट्रॉन आएंगे अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, आर्ट के इलेक्ट्रॉन चलेंगे है ना, आज से इलेक्ट्रॉन आ करके इस सीट पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल कर देंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे को, इस तरह से आठ के आने वाले इलेक्ट्रॉन इस बार मुझे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट यहाँ से क्या हो गया डेल्टा क्यू डैश गायब हो गया, डेल्टा क्यू डैश क्या हो गया अब गायब हो ना। तो देखिए आप इस बार और ज़्यादा चार्ज इस बार चार्ज की वैल्यू और ज़्यादा कम हो गया ना, चार्ज अब जो है और ज़्यादा कम हो जाएगा है, जब चार्ज कम हो जाएगा तो पोटेंशियल और कम हो जाएगा ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा और कम होगा, मान लेंगे इस पर जो लीकेज है पाइप गुलाब को स्टार्ट होता है ना, बाय इंडक्शन मानते हैं कि जो नेगेटिव इफेक्ट है दो गुलाम का है और पॉजिटिव इफेक्ट मानते हैं एक गुलाम का है ठीक है। तो आप देखें इस बार कितना चार्ज हो गया था, अब इस बार चार्ज चार गुलाम का हो गया, अब पांच गुलाम का लीकेज हो रहा है, एक गुलाम का चार्ज आप इसको और दीजिएगा तब लीकेज चालू होगा ना। तो पहले से एक
पांच कूलम पर लेके चल रहा है, ठीक है। तो तीन से पांच कूलम तक जाने के आप इसको और चार्ज दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप पहले से और ज्यादा चार्ज पर स्टोर कर सकते हैं बाय अर्थिंग वन ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। अब जो प्लेट लाइट है उसको क्या कर दिया, आर्ट कर दिया। आर्ट करने के बाद जो है ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं स्टे करेगा ड्यू टू अट्रैक्शन। ड्यू टू अट्रैक्शन आप इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन स्टे करेंगे, ओके। और जिससे क्या होगा, इसका चार्ज और कम हो जाएगा और इससे पोटेंशियल और खराब हो जाएगा। और सेम पोटेंशियल गेन करने के लिए आप इसको और चार्ज दे सकते हैं इस सिर्फ, ठीक है, इस सिर्फ को और चार्ज दे सकते हैं, है ना। तो आप देखिए ये सिस्टम क्या है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिस पर कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हम स्टोर कर लेते हैं ना, ठीक है। तो देखिए अगर एक प्लेट को चार्ज दे रहे हैं, एक लिमिट के बाद चार्ज हम नहीं दे सकते हैं ना, लेकिन अगर इसके प्लेट के थ्रू दूसरी दूसरे नॉन कंडक्टिंग दूसरे न्यूट्रल सीट चार्ज न्यूट्रल कंडक्टिंग सीट लाते हैं तो इस सीट का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा ना, ठीक है। अब सेम वोल्टेज तक जाने के लिए इसको और हम चार्ज दे सकते हैं। अगर इस प्लेट को ऑन कर देते हैं तो पार्टी चार्ज से गायब हो जाता है, जिससे कि अगर वोल्टेज और गिर जाता है तो सेम वोल्टेज पर जाने के लिए हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। इस तरह से ये दो प्लेटों का एक अरेंजमेंट बन गया। ये दो प्लेटों का एक अरेंजमेंट हो गया जिस पर कि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स आप मेरे से, ठीक है, व्हिच कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स व्हिच आर केट एट सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। वन ऑफ देम इज आर्ट एंड दिस सिस्टम कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये आपका कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर क्या होता है बताओ, ये अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स, दो प्लेटों का अरेंजमेंट। ये दोनों प्लेटें क्या होती है, एक सर्टेन डिस्टेंस रखे जाते हैं ना, इसमें से एक प्लेट क्या होती है, आठ रहती है, ठीक है। और ये सिस्टम क्या कर सकता है, ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। दिस सिस्टम कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या बनेगी बताओ, कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। और वन ऑफ देम इज आर्ट, इसमें से एक प्लेट क्या होती है, और दिस सिस्टम कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। दिस सिस्टम क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करता है ना, विदाउट लीकेज। तो आप देखिए इसमें जो है प्लेट का शेप कुछ भी हो सकता है, ये जैसे पाइलन प्लेट्स हैं, आप जो है यहाँ पर सिलेंड्रिकल प्लेट ले सकते हैं, स्फेरिकल प्लेट ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी शेप ऑफ प्लेट्स, प्लेट का शेप कुछ भी हो सकता है। इसका यूज हम करते हैं जैसे कैपेसिटर का यूज कहाँ होता है, कैपेसिटर का यूज कहाँ करते हैं मतलब हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली कैपेसिटर कहाँ यूज करते हैं, ऐसे डिवाइस में यूज होता है वहाँ पर हमको चार्ज की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा चार्ज, तो ऐसे डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रिक करेंट, ये डिवाइस इलेक्ट्रिक करेंट का फिजिकल क्वांटिटी है, डिवाइस जैसे फैन होता है, डिवाइस है ना, फ्रिज है, रिफ्रिज, ये सब डिवाइस है। तो कौन सा किस डिवाइस में इसका यूज होता है, बताइए, फ्रिज में यूज होता है, और कौन डिवाइस है, मिक्सर मशीन होता है, और कोई है, और उसमें प्रेस है, प्रेस कहाँ यूज होता है, प्रेस कहाँ यूज होता है, मैं सिखा देता हूँ, प्रेस तो हीटिंग इफेक्ट में प्रेस है, फाइन यूज होता है,
जो आपका सफेद सफेद लगा है वो क्या है? कैपेसिटर है। ये क्या करता है, जैसे कंडेंसर जब लीक हो जाता है तो फैन क्या होता है? स्लो चलता है। स्लो क्यों चलता है? लीक होने मतलब उसके चार्ज कैपेसिटी कम हो जाती है, चार्ज के स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जब नया कंडेंसर रहता है तो उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना, तो इसमें ए सी करंट बहता है। उस ए सी करंट को जब इसी कारण जैसे फ्लक्चुएट करती है ना, तो यूनिट फ्लक्चुएशन जब कम ज़्यादा चार्ज होता है तो उसको इस मोड पड़ता है, उसको ये कंपनसेट करता है। ठीक है ना, तो कैपेसिटर की जो फैन मोड पर है और जितने मोटर्स हैं उसमें यूज होता है कैपेसिटर, जहाँ भी कैपेसिटर होगा जो कि इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन पर भी होगा वहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज ए डिवाइस, सॉरी कैपेसिटर इज एन एलिमेंट ऑफ टू प्लेट्स ऑफ एनी शेप, अब इन प्लेटों का शेप कुछ भी हो सकता है ना, व्हिच आर फिक्स्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एंड दिस सिस्टम कैन स्टोर। अच्छा, कैपेसिटर इज एलिमेंट ऑफ टू प्लेट्स ऑफ एनी शेप हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, वन ऑफ देम इज चार्ज एंड दिस सिस्टम कैन स्टोर इज अमाउंट ऑफ चार्ज, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो चलिए लीजिए राइट डेफिनेशन, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स, टू प्लेट्स आप से आप से कैपेसिटर इज एन एलिमेंट ऑफ टू प्लेट्स ऑफ एनी शेप हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। देखिए इन दोनों प्लेट का इक्वल अपोजिट चार्ज है, जितना चार्ज है ना, ठीक है, और उतना ही चार्ज जैसे प्लस टू चार्ज है यहाँ पर क्या होगा, माइनस टू चार्ज, राइट डायरेक्शन यहाँ पर माइनस टू चार्ज
and this system can flow, this arrangement can flow, and this system can flow. Capacitor is an arrangement of two plates of any shape having equal and opposite charge kept at certain distance. One of them is earth and this system can store huge amount of charge. ये आपका capacitor definition हो जाएगा. आप देखिए, ठीक है, देखिए जैसे shape of the plate बनाते हैं, shape of the plate कितना है, अगर जैसे दो parallel plates आप use करते हैं तो क्या करेगा, parallel plate capacitor करेगा. क्या कहेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, अगर शेप ऑफ द प्लेट पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है. अच्छा, अगर जो है प्लेट का शेप जो है सिलिंड्रिकल है तो क्या कहेगा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहेगा. क्या कहेगा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है. तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में जो है जैसे दो कोएक्सियल सिलेंडर है, one having large radius and one small radius. जैसे एक small radius है, small आ रहे हैं, दूसरे एक मंदिर है, pair कर रहे सभी
कैपेसिटर से एक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है ना, दिस कैपेसिटर से एक कैपेसिटी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ना। तो पर एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखने पर इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा वो इनका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है ना। आप इनको इतना चार्ज दीजिए कि इनके प्लेट के बीच क्या हो, एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो जो चार्ज आपको देना पड़ेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है ना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्ज स्टोर बाय प्लेस ऑफ द कैपेसिटर ऑन प्रोवाइडिंग वन पोटेंशियल वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहलाएगा। मानते कि क्यों चार्ज देने पर इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी जनरेट होता है। क्यों चार्ज देते हैं तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वी। तो देखिए जैसे ये हमारे याद है, अगर किसी पॉइंट को आउट कर देते हैं तो उसका वोल्टेज जीरो होता है, जिसका तो वोल्टेज जीरो है तो इस वोल्टेज इसको मिलेगा, हमारे इसको वी वोल्ट मिलता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी माने जीरो जीरो हो जाएगा ना। प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी माने जीरो है ना। तो देखिए क्यू चार्ज देने पर बी वोल्ट मान बी वोल्ट हमको कम मिल रहा है जब हम क्यू चार्ज दे रहे, तो एक वोल्ट देने पर कितना, एक वोल्ट के लिए एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना चार्ज चाहिए, क्यू बाय बी चाहिए ना। तो एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो चार्ज चाहिए, वो क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसको आप कैसे डिपेंड करिएगा, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द गिवन टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखिए ये चीज क्या है, बताओ द रेशियो ऑफ जैसे क्यू चार्ज आप ले रहे हैं, प्लेट को क्यू चार्ज देते हैं, इनके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, वी ना। ठीक है तो क्यू बाय वी क्या चीज है बताओ, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू चेंज वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्ट पोटेंशियल।